Chale. So let's start with the session today. What we guys are going to do in today's session is mind-blowing trigonometric hacks of solving them under 10 seconds. ठीक है? क्या करने वाला हूं मैं इसमें, वो ढंग से सुनोगे तुम लोग. मैं क्वेश्चन दूंगा, तुम लोग एक बार अपना दिमाग लगाओ कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते फॉर 30 सेकेंड्स, एंड देन आई विल कम अप विद अ ट्रिक मेथड टू शोकेस हाउ इजी एंड रियली रियली सिंपल द क्वेश्चन वाज, व्हिच कुड बी डन अंडर 10 सेकेंड्स. ठीक है जी, करें. मेरी एक और वीडियो अवेलेबल है 10 सेकेंड्स वाली, वो आप इसके बाद देखोगे तो लगेगा सर वो तो बहुत आसान थी, अब की बार रियली मेहनत करके अच्छे क्वेश्चंस पिकअप करे गए हैं. ठीक है, क्लियर है गाइस? सो लेट्स एंजॉय टुडे सेशन. मोर ओवर मेरा टारगेट आपको ये बोलना नहीं है कि आपको बिट सेट में हेल्प करने वाला है, जेई में हेल्प करने वाला है, एडवांस में हेल्प करने वाला है, कॉमेट, ईएम सेट, एमएचसीटी, डब्ल्यूबीजेई, जितने भी एग्जाम होते हैं वो टारगेट नहीं है. टारगेट इज सिंपल, लेट्स स्टार्ट एंजॉयिंग व्हाट वी डू. दिस इज जस्ट वन ऑफ द वेज बाय विच वी कैन डू दैट. Right? Let's start one of the best sessions that I have conducted or maybe you would have seen on the internet. Chale. So the timer starts here. The question is here. We start with a really, really simple problem. Sine theta plus cosecant theta equal to 2. Then find the value of sine 8 raised to power 8 cosec raised to power 8. Think of it how you guys are going to solve it. Simple, easy peasy problem. You must have seen this problem in your packages, in your books, whichever books you are solving. Ta-dang! Time up guys, time up. So I know a lot of you would have done this really, really well. Aap logon ne bahut saron ne ho sakta hai so sahi solve kar hi liya hoga within 30 seconds. But we are starting off with an easy question and how to see and solve this. Hame kya given tha dekho. We were given sine theta plus cosecant theta is equal to 2. ठीक है, अब जब भी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आते हैं तो आप एक्चुअल में कौन सा फंडामेंटल यूज कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन. और ये सब्स्टिट्यूशन वाला फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में हमेशा से बहुत प्रोडक्टिव रहा है, जो टॉपर्स बहुत अच्छा इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हैं. ठीक है, और इसमें कोई आईक्यू का गेम नहीं होता, सिंपलिस्टिक गेम होता है, बट हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते. सिंपली सी, कैन यू फाइंड एनी थीटा For which this is true. For which this becomes true. Yes, sir, I know that. If you put theta equal to 90 degrees, so at theta equal to 90 degree, both of them are 1. That means for theta equal to 90 degree, you can find the value of this also, which again is going to give you what? 1 plus 1. Hence, the answer is nothing but 2. Answer is actually 2. That's it, A. Question over. Nothing else required. Just substitute. Find one value of theta for which the expression becomes true or the equation becomes true. और उसकी मदद से जो निकालना था उसकी वैल्यू निकाल लेंगे. है सन? क्लियर है बात? चलो अब मैं इसी को धीरे धीरे टफ करने वाला हूं. देखते हैं कितने लोग आगे बढ़ पाते हैं. अगला क्वेश्चन फिर से 30 सेकेंड्स के लिए. All right. It says find the value of tan alpha into tan alpha plus 60 plus tan alpha into tan alpha minus 60, tan alpha plus 60 into tan alpha minus 60, find the value. Easy question again. I know a lot of you will still say sir हमने करा हुआ है, but let's just see जिन्होंने नहीं करा है how they can solve, वो मुझे बताएं sir कैसे solve होगा. कितना time बचा भाई? 5 second अभी बचे हैं हमारे पास. सोचो. टडंग, time up guys. So let's make it interactive in a way. ठीक है, कई लोग अपना आंसर लिख रहे हैं कमेंट में. गुड गाइस, गुड. सो अगर मैं नोटिस करता हूं तो यहां पर देखो क्या था, टैन अल्फा. तो पैरामीटर कौन है जरा क्वेश्चन में देखो, जरा पैरामीटर, विच इज द पैरामीटर थिंग इन द क्वेश्चन. तो पैरामीटर एक आ रहा है यहां पर अल्फा, इजंट इट दिस, अल्फा एक पैरामीटर. पर आंसर ऑप्शन में अगर मैं नोटिस करता हूं, इफ आई स्टडी द आंसर ऑप्शन, आंसर ऑप्शन में क्या अल्फा से रिलेशन है? इज द आंसर ऑप्शन रिलेटेड टू अल्फा? नहीं है जी, आंसर में तो सर कहीं भी अल्फा ही नहीं है. सो दैट मींस इसको क्या बोलते हैं, इस वाले सुपर केस को हम लोग, दैट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा. इफ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा, दैट मींस यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ अल्फा. और हम कौन सी ऐसी वैल्यू डालें अल्फा की, डालने को आप कुछ भी डाल सकते हो, 0, 30, 45, पर वो वैल्यू डाले ना जिससे क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए.
बहुत सही, बहुत सारे बच्चे सही लिख रहे हैं, अल्फा और यहां अल्फा। यार अल्फा को अगर मैं जीरो डालता हूं तो ये वाली पूरी टर्म गायब हो जाएगी, बचेगी क्या आपके पास, सिर्फ ये वाली टर्म विच इज नथिंग बट वॉट 1060 इंटू माइनस ऑफ 1060, क्योंकि अंदर क्या बचने वाला है, खत्म। ये कितना बन गया, माइनस ऑफ रूट थ्री इंटू रूट थ्री विच गिव्स यू आंसर माइनस थ्री। सी इज द आंसर ऑप्शन। क्लियर गाइज, नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाना है। चले बड़े आगे, चलो प्रैक्टिस करो एक बार और। 30 सेकंड टाइमर अगेन हैव स्टार्टेड फॉर यू। थिंक ऑफ दिस क्वेश्चन। अब मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल डिफिकल्ट करता जाऊंगा जिससे आपको आज की क्लास में मजा आए, आप ये कह पाओ कि सर सारे आसान क्वेश्चन नहीं थे, आपने अच्छे क्वेश्चन भी लेके हमें आज सिखाया है कुछ। कोसेक थीटा इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन, ओके लेट मी राइट, स्टार्ट राइटिंग टिल द टाइम यू आर सॉल्विंग। कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन पी मैट। टाइम अप गाइस, टाइम अप, टाइम टू थिंक इज ओवर। ठीक है, तो हमें इसकी मदद से किसकी वैल्यू निकालनी है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट पाई बाय फोर प्लस थीटा बाय टू। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी। अब नोटिस करो यहां पर कुछ अजीब सा कॉम्बो बन रहा है, थीटा आ रहा है सर, पी और क्यू है और उसकी वैल्यू पी और क्यू में निकालनी है। बट अभी भी क्या थीटा के बारे में कुछ बोला है? नहीं बोला। तो मैं क्या करता हूं, मैं थीटा की कोई वैल्यू ले लेता हूं। लेट्स पिक एनी वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो मैंने थीटा को ले लिया एक ऐसी वैल्यू जो यहां पर इंटीजर वैल्यू थे। इंटीजर वैल्यू कब आएगी, जब मैं 30 डिग्री ले लेता हूं, क्यों कोसेकेंट 30 कितना हो जाता है, वैल्यू 2 होता है, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो कोसेकेंट उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो गया, पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू, तो ये कितना हुआ 2p माइनस 2q इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। दिस इंप्लाइज व्हाट यू विल गेट द रिलेशन, p इज इक्वल टू 3q। p कितना आ गया, 3q हो गया। सो अगर आप थीटा को 30 डालते हैं, द रिलेशन दैट यू गेट इज p इज इक्वल टू 3q। बस वही चीज यहां करनी है। तो अगर मैं थीटा को 30 डिग्री डालता तो अंदर देखो क्या बन रहा है, कॉट दिस बिकम्स 45 डिग्रीज प्लस 15 डिग्रीज विच इज नथिंग बट कॉट 60 डिग्री। कॉट 60 डिग्री कितना हो जाएगा भाई, सोचो कॉट 60 डिग्री कितना हुआ, टेन 60 का अपोजिट कर दो यार, तो कितना हो गया 1/√3। सो ऐसा आंसर जहां पर p इक्वल टू 3q डालने से आपका आंसर 1/√3 आ जाए, तो p की वैल्यू क्या डालना है, 3q, वो देखो यहां पर हो रही। तो दिस इज एक्चुअली द राइट आंसर, खत्म। ये देखो आप डालो यहां पर p को 3q, यू विल गेट योर आंसर। इजंट दैट दैट सिंपल, बिना कुछ उसकी चीज की टेंशन ली होगी, सर p q बड़ा लेंदी आ रहा है, कैसे सॉल्व करूंगा, क्या करूंगा, simply we have solved it, this is how you can simplify questions. Understanding guys, बढ़े आगे, करें थोड़े और अच्छे लेवल के सवाल। चलो लो जी अगला सवाल, सोचो कैसे करेंगे, 30 सेकंड अगेन। tan alpha is equal to, सोचो सोचो, tan alpha is equal to m upon m plus 1 tan beta is given to be equal to 1/2m+1। हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, we need to find the value of alpha plus beta angle कितना है। Again time up guys, 30 second का सवाल था, देखो दिखाऊं कैसे करना है अब। चलो पॉज करके तुम अपना सॉल्व कर देना, कई लोग अभी भी मैं देख रहा हूं कमेंट में एक दो बच्चे लिख रहे हैं, गुड, बट लेट्स जस्ट जंप ऑन एंड सी दिस। सो अभी मेरे पास tan alpha, मतलब alpha और beta, alpha बीटा किससे रिलेटेड है, m से। ठीक है, तो मैं m की कोई भी वैल्यू डाल के उनकी आंसर निकाल सकता हूं, और ऐसी वैल्यू डालनी चाहिए जिससे मेरे पास एक प्रॉपर आंसर आए। तो अगर तुम नोटिस करो मैं यहां m को 0 डालता हूं, तो यहां से क्या आया, tan alpha 0 which implies angle alpha, one of the possible answers is 0। फिर यहां पर क्या आ जाएगा, देखो tan बीटा कितना बन जाएगा, अगर मैं m को 0 डाल देता हूं 1, दिस गिव्स यू बीटा इज इक्वल टू 45। ठीक है जी, हा है ना, क्वेश्चन ओवर, क्वेश्चन इज ओवर। पिक द वैल्यू विच गिव्स यू आंसर, सम ऑफ दीज इज 45 डिग्रीज, दैट्स इट।
question over. Why I thought of m equal to 0, again I'll give you the hint. Alpha plus beta is independent of m. Answer options dekho. Kya answer options m pe dependent hain? Nahi sir, they are independent of m. That means I can pick any value of m which will satisfy actually the answer. In fact, the question then becomes eliminate m. आप m को हटा ही दो क्वेश्चन से. m को हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या था? m को जीरो डाल. चलो मजा आ रहा है भाई. तो मजा आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मुझे बताएं कैसा फील हो रहा है. वीडियो बाद में देख रहे हैं तो भी जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं. सिंपल क्वेश्चन विच यू गाइस मस्ट हैव डन, आप सबकी किताबों में होता है ये क्वेश्चन कि क्या हुआ कि टेन एल्फा वन टेन एल्फा टू अप टिल टेन एल्फा एन इज इक्वल टू वन. आपसे पूछा गया जा रहा है कॉस एल्फा वन कॉस टाइम अप गाइस जो लोग कर रहे थे सॉल्व इसकी वैल्यू. ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई इसकी वैल्यू? एक तो तरीका था इसको साइन और कॉस की सीरीज बना लो और साइन को एक तरफ कर दो कॉस को एक तरफ कर दो साइन को कॉस से मल्टीप्लाई करके उसकी सीरीज बनाने की कोशिश करो. पर कौन इतनी मेहनत करेगा यार, हम तो सिंपल हैक ढूंढने की बात करें. व्हाट हैक यू कैन अप्लाई इफ दिस हैज टू बी इक्वल टू वन इट इज नोवेयर गिवन दैट दे कैन नॉट बी ऑल इक्वल. अब यहां नोटिस करो ये बोला गया था कि एल्फा एल्फा वन एल्फा टू एल्फा थ्री अप टिल एल्फा एन फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है. तो हमें कभी ये मना करा क्या अल्फा वन को अल्फा टू? एक्सीलेंट गाइस, आई कैन सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स सेइंग सर ये आता है पता है या फिर उनके अंदर से आवाज आ रही है सर ये तो हमें आता था. एक्सीलेंट गाइस, सो पाई बाय 4 बिकॉज दिस एक्चुअली सेटिस्फाइज दिस इजंट इट. दिस सेटिस्फाइज दिस. इफ दिस सेटिस्फाइज दिस यू कैन पुट दिस वैल्यू हियर. सो सारे एंगल कितने हो जाएंगे? ये cos 45 डिग्री, फिर क्या होगा cos 45 डिग्री एंड सो ऑन कितनी बार. तो cos 45 डिग्री रेज टू पावर n, वी नो दैट cos 45 इज 1 बाय रूट खत्म. तो ये कितना हो गया 1 बाय 2 रेज टू पावर n बाय 2 और यू कैन से 2 रेज टू पावर माइनस n बाय 2. व्हाट एवर आंसर इज गिवन टू बी मैचिंग बी अगेन इज मैचिंग विद आवर पर्टिकुलर आंसर. क्लियर है गाइस? आगे बढ़े, मजा आ रहा है भाई, मजा आना चाहिए. हिट दी लाइक बटन इफ यू आर एंजॉयिंग एंड यू हैव टू शेयर इट सो दैट आई गेट 500 हिट्स इन टुडेज डे इटसेल्फ. ऐसा नहीं कि 10 दिन के बाद तो मिल ही जाएंगे, पता है हमें. सॉल्व दिस गाइस, 30 सेकंड्स, इट्स अ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. नाउ सॉल्व दिस. मीनवाइल आई राइट दी क्वेश्चन. आई वॉन्ट यू टू थिंक ऑफ हाउ टू सॉल्व दिस. टाइम अप गाइस, स्पीड बढ़ानी है तो थोड़ा बहुत प्रेशर लेना पड़ेगा आज के दिन, घबराने की बात नहीं. ठीक है, आई होप आप अब नींद से उठ चुके हो. मजा आ रहा होगा कि आज सर आज तो आपने बिल्कुल दिमाग खोल दिया, मजा आ रहा है आज. ठीक है चलो लेट्स सी, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. अब मैं तुम्हें एक हिंट दे रहा हूं, यहां पर नोटिस करो अल्फा बीटा रिलेटेड है और अगर ये इक्वल है so they must be equal for everything for all values. मान लो कि क्या बन गई all values का क्या मतलब होता है? This becomes an identity. That means I can put any value. और इसकी सबसे आसान वैल्यू क्या होती है? अगर अल्फा और बीटा को बराबर कर दो तो सर इसका आंसर क्या आ जाएगा? जीरो. तो तुम्हें एक ऐसा आंसर चाहिए था जहां पर अल्फा और बीटा को बराबर रखने से आंसर क्या आ जाए? जीरो आ जाए. ठीक है, और अच्छा काम क्या करें अल्फा और बीटा को बराबर रखने, क्या करो 45 डिग्री डाल दो. क्यों 45 डिग्री? क्योंकि यहां पर tan इन्वॉल्व, tan इन्वॉल्व है, sin इन्वॉल्व है, तो सॉल्व हो जाएगा जल्दी. करें जरा जल्दी से सॉल्व. तो देखो यहां पर क्या हुआ, अगर मैं इसको 45 डिग्री डालता हूं तो कितना हो गया 1, तो ये कितना बन जाएगा 1 इज इक्वल टू n sin बाय ये कितना होगा 1 बाय रूट टू 1 बाय रूट टू. तो कितना बन गया ये n बाय 2. ये कितना बन जाएगा 1 बाय n माइनस 2. दिस इंप्लाइज कितना हो गया 1 माइनस n बाय 2 इज इक्वल टू n बाय 2 व्हिच यू कैन से दैट n इज इक्वल टू 1. सो इफ यू पुट
alpha is equal to beta is equal to 45, you should get answer as 0, but at the same time n will also be equal to 1. So in the answer option, where for what value at n equal to 1 and alpha and beta equal to 45, you get answer as 0. So alpha pe to yaar 0 aane nahi wala na, 45 45, khatam. Otherwise it's a lengthy problem, guys. Seriously saying, it's a lengthy problem. इतनी जल्दी नहीं हो सकता जितनी जल्दी हमने यहां पर करके निकल गए. Enjoyed the method, मजा आया, सीखने को मिल रहा है, absolutely brilliant guys. Let's see, move on to the next problem. लगाया दिमाग, क्या करना है? 30 seconds again. Let me again write the question problem for you. Okay, anybody? घबराना नहीं है अगर अभी नहीं हो रहा है, सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है? हर कोई जीरो लेवल से कभी ना कभी शुरू करता है और सीखता है, ठीक है? चलो अब देखो, तो ये हुआ टेन स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस ई स्क्वायर, और वहां पर कुछ लंबी सी वैल्यू दे रखी है, इसकी हमें वैल्यू पता लगानी है, किसकी टर्म्स में? ई की टर्म्स में. हाँ यार, यहां तो कोई दिक्कत किसी को भी? चलो बहुत बढ़िया. अब हमारे पास फिर से हमें हिट एंड ट्रायल अप्रोच लगानी है, ट्रिक लगानी चाहिए सिंपल भाषा में. हमें तो क्या लगानी है सर? हमें तो ट्रिक लगानी है, हमें और क्या मतलब है. मैंने क्या करा, ये ईज है ना, नेचुरल ई नहीं है. कहीं बोला किसी ने ई जो है नेचुरल ई है? टू लॉग के बेस के साथ आता है तो हमें कंफ्यूजन होती है सर, ये तो वो दे रखा है. अगर नहीं मेंशन करा है तो आप नहीं एज्यूम करोगे ना, तो ये कितना हो जाएगा? और वैसे भी हो नहीं सकता, अगर ई को आप 2.7 भी लेते तो नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी, दैट्स व्हाई तो पॉजिटिव होता है. को मैंने क्या किया, जीरो डाल दिया. तो अगर मैं ई को उठा के यहाँ जीरो डालता हूँ, कितना बन गया? 1/cos π/4. ये कितना हो गया? 10 तो 1 हो गया, और ये कितना आ गया? 1/sin π/4. कितना होता है ये? √2 this gives you what value? 2 times √2, or this can be simplified to write 2^3/2. Pick that answer by which if you put e equal to 0, you get the answer as 2^3/2, which happens with d. Again, over, the question is over, bloody hell. You nailed the question, guys. Samajh mein aaya kaise solve ho raha hai? Kitni jaldi jaldi hum questions ko चॉप ऑफ कर करके निकाल रहे हैं क्वेश्चंस को. क्लियर एवरीवन? लेट्स सी, और बड़ा क्वेश्चन कर दिया मैंने तुम्हारे लिए, लगाओ दिमाग, क्या करा जाए? सर आप तो डरा रहे हो सर, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि सर ट्रिक्स जो है वो तो सिंपल क्वेश्चंस में लगती हैं, टफ क्वेश्चंस में तो नहीं लगती हैं, रोते रहते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उस तरीके की तरीके. तो चलो आओ देखते हैं, आज मजे ले रहे हैं मैथ्स के साथ. थोड़ा मैथ्स नहीं है बेसिकली, हम सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग लगा रहे हैं. दिस इज नॉट मैथ्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई विल नेवर से दैट दिस इज मैथ्स. मैथ्स इज मच मच बिगर देन दिस. ये तो मजाक है मैथ्स की भाषा में, ठीक है? टाइम अप अगेन. आंसर ऑप्शन देख के डर लगना शुरू हो जाता है कि सर ये तो बहुत भयंकर भयंकर चीजें आ गई हैं, क्या करें? अब देख, फिर से मैंने अभी एक क्वेश्चन आज तुम्हें कराया, कौन सा? हमें इसकी वैल्यू निकालनी. मैंने क्या करा, थीटा इज इक्वल टू 5 बटन दिया, तो ये तो आंसर क्या हो जाएगा? 0. तो आंसर जो आपको चाहिए वो क्या चाहिए एक्चुअल में? दैट वैल्यू व्हिच रिटर्न्स यू व्हाट? 0 इज द आंसर. और यहां पर मैंने उसको क्या कर दिया? इक्वल टू अगेन 45. इफ आई डू दैट 45, दिस विल बी व्हाट? sin 45 + sin 45. कितना हो जाएगा वो सोचो? sin 45 + sin 45, 1/√2 + 1/√2, which is 2/√2, which we can say is √2. और नीचे वाले के साथ भी वही होगा. तो देखा जाए यहां से ये रिलेशन क्या है, a = b = √2. तो आपको वो आंसर ऑप्शन ढूंढना है जहां पर a = b = √2 करने से आंसर क्या बन जाए फाइनल? 0. तो आंसर 0 कब बनता है? कौन सी ऑप्शन ढूंढूंगा?
जहां न्यूमरेटर जीरो हो रहा है, डिनोमिनेटर से मेरा कोई लेन देन नहीं होता है, तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज नहीं देखूंगा। तो अब देखो यार, इससे तो बनने जरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, बी से भी बनने जरा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एड हो रहा है, इससे भी बनने जरा खत्म, क्वेश्चन ओवर। बिना इनफैक्ट चेक करे हुए आपने वहां पर वैल्यू डाल दी, नोटिस करना है तो चेक कर सकते हो। इफ यू सॉल्व दिस, दिस विल बी 4 - 2 - 2 व्हिच गिव्स यू द आंसर 0। ठीक है, वैसे भी ये वाली वैल्यू तो यार डिनोमिनेटर में 0 दे रही थी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, छोड़ दिया हम। आया मजा, था भयंकर सवाल, कर दिया जल्दी से सॉल्व, लग रहा है अच्छा आज की क्लास में, कि अगर आप पढ़ाई मजे से करोगे, मैं अभी भी नहीं कह रहा है हर चैप्टर में लगेंगे, हर जगह लगेंगे, प्लीज स्टार्ट एंजॉयिंग। मेरा आज का टारगेट है यू शुड एंजॉय व्हाट यू गाइस आर डूइंग। मेरा छोटा सा टारगेट है इन द मॉर्निंग दैट आई कैन कम अप एंड गिव यू अ स्माइल दैट विल ब्रिंग एंजॉयमेंट टू योर स्टडीज। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, आज तो मूड में हूं मैं पूरा पूरा सवाल कराने के तुम्हें, बढ़िया बढ़िया। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन गाइस, 10x इक्वल टू b by a, then we need to find the value of a minus b upon a plus b। ठीक है जी, टाइम अप भी हो गया, क्या करें, किसी ने कुछ सोचा? वैसे बहुत आसान मेथड है जो बताने वाला हूं, चलो फिर से नई चीज सीखते हैं। नई चीज क्या आ रही है, मैंने क्या करा यहां पर x, अब नोटिस करो जो आंसर ऑप्शन है, आंसर आर इन x, दैट मींस इट इज डिपेंडेंट ऑन x, और इन टर्म्स मुझे क्या लगता है इन आइडेंटिटी इन x, दैट मींस लेट्स सी व्हाट आई डिड, आई पुट b इक्वल टू 0, a कुड बी r, लेट्स से इट इज नॉट 0, राइट। ठीक है, तो ये 10x तो क्या हो गया, becomes equal to 0, this implies x comes out to be 0 degree। ठीक है, तो अगर ये values यहां put करते हो तो यहां पर देखो answer क्या आ रहा है, if you put b equal to 0 ये क्या हो जाएगा a by a, और ये भी क्या बन जाएगा a by a, which gives you answer। तो आपको option में कैसा answer चाहिए था, जहां b को 0 डालने से answer 2y, या फिर b को जब 0 डाला तो answer क्या आ रहा था x। तो इसको कैसे याद रखोगे कि a b किससे रिलेटेड है, x से, तो अगर मैं इनकी वैल्यूज डाल के कुछ आंसर निकालता हूं तो फाइनल आंसर x की वैल्यू विच विल कम ऑन बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b आई कैन फाइंड द आंसर। तो अब x इक्वल टू 0 पे, सो दैट मींस एट x इक्वल टू 0 आंसर शुड बी इक्वल टू 2, वो कौन सा आंसर ऑप्शन है वो देख लो, बी, जहां जहां साइन आ रहा है वो तो वैसे ही निग्लेक्ट कर दो, डिनोमिनेटर वाला कई बार दिखा था डिनोमिनेटर में आ रहा है, काट दो यार, नहीं है ना बी आंसर मैच हो तो रहा है, खत्म, बी आंसर डालता हूं तो आपका भरो भार आंसर 2 आ रहा है, होगा 10 सेकंड में सवाल, इस तरीके से अगर सॉल्व करना शुरू करोगे, चलो आओ और भयंकर और बड़ा हो गया सवाल। अब हमें सोचना है अल्फा प्लस बीटा सर कैसे आएगा, ये तो बहुत बड़ी 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 चीजें लिख दी सर, अब की बार लगता है ट्रिक नहीं लगेगी सर, लेट जस्ट सी दैट, ये कितना बना 1 + -1, और आपको बीटा की वैल्यू दे रखी थी टैन बीटा इज इक्वल टू 1 - 2 पावर 1 + x - 1। सोचिए भाई टाइम अप हो चुका है, मैं फिर भी तुम्हें और टाइम दे रहा हूं, हमें निकालना है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। कैसे निकाले अल्फा प्लस बीटा जब अल्फा और बीटा इस तरीके से रिलेटेड हैं, कैसे गाइस कैसे, सोचो एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है यहां गेम, थोड़ा बहुत एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है गेम यहां पर, अब एक्स आंसर में आ रहा है क्या कहीं भी, एक्स तो आंसर में नहीं है सर, तो कैसे सॉल्व करें इसको, सोचो हाउ विल यू फिगर दिस क्वेश्चन आउट। ओके लेट्स सी, अगर मैं x की कोई वैल्यू डालना चाहता तो क्या डालता है यहां पर, लेट्स पुट सम वैल्यू ऑफ x, आप कोई ना कोई वैल्यू पुट करो, लेट्स से ओके
I'll change again my marker. मैंने याद रहा यहां पर x को 0 डाल दिया, ठीक है. Let's put x equal to 0. तो जो पहली वाली वैल्यू थी वो कितनी बन गई, that gives you tan alpha is equal to 1/2. यहां पर 0 डालो कितना बन जाएगा, ये 0 है 2 और ये आके tan beta is equal to 1/3. पर सर हमें पूछा क्या गया था, सर हमसे तो पूछा गया था अल्फा प्लस बीटा, तो निकाल लेंगे ना, क्या दिक्कत है, फॉर्मूला तो पता होता है हमें, बहुत सारी चीजें तो आप लोग पढ़ के आते हो. tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा. तुम्हारे पास दोनों की वैल्यू नहीं है, वहां पर चेक करो, सी दिस. सो इसको सॉल्व करता हूं तो कितना बन रहा है, 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3. तो ऊपर क्या आएगा 5, नीचे भी क्या आ रहा है देखो, कैंसिल हो गए 5, दिस कम्स आउट टू बी 1. दैट मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज. फिर से बार बार हम बच गए कुछ भी सॉल्व करने से, अगेन वी गाइस आर सेव्ड विदाउट डूइंग एनीथिंग. ठीक है, हो गया. देखो और आसान करने के लिए आप क्या कर सकते थे, कि जो 1/2 की वैल्यू आ रही थी, 1/3 की वैल्यू आ रही थी, इसको और कुछ और ले सकते थे. पर द सिंपलेस्ट थिंग टू थिंक ऑफ इज बाय पुटिंग x इक्वल टू 0, व्हिच सॉल्व्स द एंटायर प्रॉब्लम. आया मजा, हाँ है ना. अगर अभी तक लाइक हिट नहीं करा है, मुझे लाइक चाहिए, ये याद रखना. आज ही के दिन में 500 तक चाहिए मुझे. अब मैं तुम्हें टारगेट दे रहा हूं, तुम सब लोगों को 500 लाइक्स इन दिस वीडियो, शेयर इट, नहीं मिलने वाली अदरवाइज ये सेशंस. चलो अगला सवाल, वी आर ऑलमोस्ट नाउ एंडिंग आवर टुडेस सेशन. आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट आई हैव टेकन फॉर टुडेस सेशन. ठीक है, ओके, आई हैव अनदर क्वेश्चन, सॉरी गाइस. लेट्स सी, इसमें चलो एक फॉर्मूला करा रहा हूं. इसमें फॉर्मूला क्या है, देखो ऊपर जो एंगल है 3 थीटा, 5 थीटा, 7 थीटा, 9 थीटा, ठीक है, कॉस का और साइन का दोनों का सेम है. इनका आंसर क्या होता है, ये हो सकता है आप लोगों ने बड़ी जगह किताबों में देखा हो, नहीं देखा है तो मैं बता देता हूं. थीटा एन बाय एन, तो यहां पर कितने एंगल्स ऐड हो रहे हैं, दैट इज 3 थीटा प्लस 5 थीटा प्लस 7 थीटा प्लस 9 थीटा, कितने हैं, बाय 4. तो कितना बन गया देखो, ये 5 प्लस 8 प्लस 16 24 थीटा बाय 4, दैट मीन आंसर इज गोइंग टू कम आउट टू बी टेन 6 थीटा, सॉरी 60 लिख दिया मैंने, 6 थीटा. क्लियर गाइस, फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होगा तो ये वाले क्वेश्चन स्ट्रेट अवे सॉल्व हो जाते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग. क्लियर है, मजा आया, ओके, सॉल्व दिस. ये बहुत स्टैंडर्ड सवाल है तुम लोगों का, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड, आप सबने कहीं ना कहीं जरूर करा हुआ होगा. आई एम डैम श्योर अबाउट दिस. इक्वल टू एम, ठीक है, आरडी शर्मा का सवाल है ये वाला. सो पीपल हु आर इन क्लास 10th आल्सो वुड हैव विजिटेड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने नहीं करा होगा, ना का तो सवाल ही नहीं होता. बताओ भाई क्या करें, क्या करें, सोचो, टाइम अप तो हो ही है, हमारी घड़ी तो बहुत तेज भाग रही है आज की, और हमें निकालना किसकी वैल्यू है, एम स्क्वायर एन रेस टू पावर 2/3 प्लस एम एन स्क्वायर रेस टू पावर 2/3. हिंट कहां से आ रही है कि ट्राई, सर आपका ट्रिक मेथड लग सकता है. आंसर ऑप्शन नोटिस करो चारों, थीटा में कोई डिस्टेंस है ही, डिस्कशन है ही थीटा के ऊपर. तो क्या करा जाए जिससे m और n सिंप्लीफाई हो जाए. और हिंट दूं, यहां पर देखो क्या हो रहा है, पावर में नीचे किसकी वैल्यू आ रही है 3, यहां पर पावर में क्या है 3. तो अगर मैं किसी तरीके से m इक्वल टू n कर देता हूं तो दिस इज गोइंग टू रिड्यूस टू m क्यूब रेस टू पावर 2/3, और ये भी क्या हो जाएगा, सेम ही नहीं बन जाएगा ये वाला, m क्यूब 2/3 विच इज नथिंग बट 2 times m स्क्वेयर, isn't it guys? तो यार एक थीटा की वैल्यू डाल दो ना जिससे m और n बराबर हो रहे हैं. देखिए कौन होता है वो प्यारा प्यारा थीटा, 45.
तो अभी तक हमें ट्रिग्नोमेट्री से बहुत डर लग रहा था, हमने तो ट्रिग्नोमेट्री और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लिया, क्यों, हमारे पेट एंगल्स होते हैं जो हम ले सकते हैं। तो थीटा को अगर मैं 45 डिग्री ले लेता हूं तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 45 पे देखो क्या बन गया, रूट टू अपॉन वन माइनस रूट टू एम आएगा, और एम भी ये आ रहा है क्योंकि ये भी क्या होगा, रूट टू अपॉन वन माइनस रूट टू, तो दोनों बराबर हो गए, और किसके बराबर होगा, एक ही वैल्यू के, बस एम स्क्वायर निकालना है तुम्हें। तो ये एम स्क्वायर है क्या, इधर रूट टू माइनस वन बाय रूट टू, विच वी कैन से इज वन बाय रूट टू। देखो यही बन रहा है, पर तुम्हें क्या निकालना है, एम स्क्वायर, एम स्क्वायर विल कम आउट टू बी वन बाय टू। बिंगो गाइस, आंसर सॉल्व, बी इज द आंसर, खत्म, क्वेश्चन ओवर। सो दिस इज हाउ, इफ यू नो हाउ टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्री क्विकली, एनी क्वेश्चन कैन बी सॉल्व वेरी वेरी क्विकली। आई होप आज के सेशन में बड़ा मजा आया होगा तुम सबको, आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा, आज सुबह उठ के पहली बार प्रोडक्टिव काम भी हुआ होगा अगर पिछली क्लासेस में नहीं हुआ है तो। अगर आपको फील होता है कि वी हैव बीन एबल टू डू दिस, नाउ प्लीज हेल्प अस इन मेकिंग इट अ बिग क्लब, प्लीज शेयर इट ऑन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक। एक शेयर तो यार डाल सकते हो, एक पोस्ट डाल सकते हो, कुछ घिसेगा नहीं, झूठ मत बोलना कि तुम में से कोई भी कहीं भी अवेलेबल नहीं है, प्लीज डू इट। इंस्टाग्राम पे मैंने तुम्हें ऑलरेडी कल भी बताया था, ठीक है, आप एक अच्छा काम कर सकते हो फॉर अ चेंज, इंस्टाग्राम पे सुबह उठो, अच्छी अपनी फोटो क्लिक करो विद सूर्य देवता के साथ, सन के साथ, हैशटैग लेट्स ब्लडी हेल मेक एमओजी क्लब द वन ऑफ द क्लब्स टू गेट इनटू, लेट्स फोकस ऑन एमओजी क्लब। मुझे सपोर्ट चाहिए तुम्हारा सो दैट आई कैन कीप वर्किंग हार्ड फॉर दीज काइंड ऑफ सेशंस। टाइम लगता है, समझ में आ रहा होगा कि मेहनत लगी है, तुम्हें भी आज मजा आया होगा, इतना तो सपोर्ट यू गाइस कैन डू फॉर अस। ऑलराइट गाइस, थैंक यू ऑल, आई विल सी यू टुमारो अगेन विद सम अनदर टॉपिक, नॉट जनरली ट्रिक्स, ट्रिक्स टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट यस, आप क्लब में बने रहें, हैशटैग करते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, एंड आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।